कहा 30 जून को रिजल्ट आने वाला था सीयूईटी का और अभी तक नहीं आया। मेरे हिसाब से मेरे कितने स्कोर बैठेंगे और क्या आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे बचपन के सारे टॉयज हैं, संभाल के रखे हुए हैं मैंने सारे। नानी है, फोन पे देख लो, मेरे को तो लेकर नहीं जा रहे। ऐसे बस कपड़े रख रखे हैं मैंने मिक्स मुक्स करके, ये थोड़े फिर भी सेट हैं। क्योंकि मेरी मम्मी जब जब मुझे बोल कर गई है कि मैं एक दिन में आ जाऊंगी, दो दिन में आ जाऊंगी, वो ऐसे बस बोल के जाती है मेरे को, लेकिन आती है वो एक एक डेढ़ डेढ़ हफ्ते बाद। भूतने वाले भूत करके सरदारनियों की लड़की लगती है मेरी बेटी। मैं काओ को ना गुड़ वगैरह डाली आई, ये ना हर रोज आ जाती है हमारे इधर। मैं ना पार्थ के घर आई हुई थी और उसका ऑलरेडी होमवर्क निपटा रही हूँ। देखो एक ये तो बना दिया जीके का। मैं तो शुभी के साथ सोऊंगी। शुभी ठीक है? ठीक है मेरे साथ? नहीं। हेलो बोलो। हेलो इचु बुआ। ये आपने कौन सी कलर की लिपस्टिक लगाई है? दैट्स कॉल्ड लिप बाम। अरे खोलने तो दो, ये लो पिलो। सो ही गाइस, हाउ आर यू? इशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। बताओ यार क्या ही कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहा 30 जून को रिजल्ट आने वाला था सीयूईटी का और अभी तक नहीं आया ना। सीयूईटी के दोबारा एग्जाम होने लगे हैं। से जिन बच्चों के सेंटर में प्रॉब्लम हुई थी ना और जिन्होंने एनटीओ के पास मेल भेजा था और उनको प्रॉब्लम वगैरह बताई थी, तो करीब ऐसे 1000 बच्चे थे। मैंने तो मेल कुछ नहीं डाला था उनको, तो इसलिए मेरा नहीं होगा। 19, 20, 21, 22 जब भी होंगे उनके एग्जाम, ठीक है, उसके बाद उनकी आंसर की आएगी, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होएगा और भी पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, उसके बाद आएगा एक डेढ़ हफ्ते बाद रिजल्ट। तो मेरे को इस महीने तो भाई मुश्किल ही लग रहा है कि रिजल्ट आ पाएगा, अगले महीने आएगा। और कहाँ ये कह रहे थे कि 1 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, देख लो यार। अच्छा तो आज ना आंसर की भी आ चुकी है और पता है क्या हुआ, आंसर की में इतनी सारी गलतियां हैं। आप ये सोचो कि सीवीटी का एग्जाम कितने दिनों पहले हुआ था और उसके बाद आंसर की आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब आई है इतने टाइम बाद और उसके बाद भी इतनी सारी गलतियां निकल रही हैं उसमें। पहले तो हेयर सीरम यूज कर लिया था मैंने, बट अब नहीं करा, अब मेरे को फिर से यार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ड्राई से लग रहे हैं देखो यार। और पता है मेरी मम्मी और पापा दोनों ना नानी के घर जा रहे हैं पंजाब मुक्सर। यार मेरे को नहीं लेकर जा रही है लोग, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एक आधे दिन में हम आ जाएंगे। मेरे को बोला है कि तू घर पे ही रह जाइयो, नहीं तो फिर किसी और के घर छोड़ देंगे तेरे को, वहां पे रह लियो। ऊपर तो सारा काम कुम चल रहा है सोनू भाई के घर का, तो इसलिए मैं सोनू भाई के घर रहने देती हूँ। मैं जाती हूँ शेकू भाई के घर, एक दो दिन की बात है बस, मतलब कल रात को चल देंगे वो और परसों सुबह आ जाएंगे घर पे। यहाँ पे मेरी मम्मी जब जब मुझे बोल कर गई है कि मैं एक दिन में आ जाऊंगी, दो दिन में आ जाऊंगी, वो ऐसे बस बोल के जाती है मेरे को, लेकिन आती है वो एक एक डेढ़ डेढ़ हफ्ते बाद। अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, अपना रख लेती हूँ जो जो उनसे टॉप मेरे को रखने हैं, निक्कर वगैरह रात को पहनने के लिए, और शेकू भाई के घर चलते हैं। मेरी ना अलमीरा देख लो आप, देखो ये वाली साइड तो बिल्कुल ऐसे हुआ पड़ा है, यहाँ पे जीन्स और ये सब रखी हुई है और यहाँ पे ऐसे बस कपड़े रख रखे हैं मैंने मिक्स मुक्स करके, ये थोड़े फिर भी सेट हैं। एक एक इसमें चार चार टॉप और ये सब रखे हुए हैं देखो। बाकी ये जीन्स और ये सब हैं, ये भी ऐसी है, ये सारी मेरी हेडफोन्स पड़े हुए हैं। पहले एयरपॉड्स होते हैं और ये सब ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, खामा का चार्जिंग ही करते रह जाओ भाई। सबसे बढ़िया ये है लीड अपना आराम से, मैंने तो ला के रख दी, देखो कितनी सारी हैं। अपनी एक खराब हुई तो दूसरी यूज़ कर लो, दूसरी खराब हुई तीसरी, ऐसे ऐसे करके यूज़ करते रहो, है ना। ये मेरे को सेट करना है, आप मेरे को ऐसे मत बोलना कि मैं बहुत गंदी से सारी चीज़ें रखती हूँ, सेट करके नहीं रखती। ये अभी फ़िलहाल ऐसी हुई है बट मैं हमेशा सेट करके ही रखती हूँ इसे। ये मेरा डियर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और भी बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे जो कि मम्मी ने धोने के लिए रख रखे हैं, वो भी मैं अभी सेट करके यहीं पर कहीं पर रखूँगी। ये सारी मेरी 12th की बुक्स हैं। आई नो थोड़ा सा वैसे हो चुका है क्योंकि इसमें से ना मैंने बहुत सारी बुक्स और स्पोर्ट मटेरियल था वो सारे स्कूल में दे आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हुआ पड़ा है मेरा। बाकी अभी मैं थोड़ा सेट करके रखूंगी। ये देखो मेरे सारे टेडी बियर्स इधर भर दिए मम्मी ने, सारे दो दो के रख दिए। ये किसी दिन मैं आपको और दिखाऊंगी, तब सेट सूट कर लूंगी। मेरे बचपन के सारे टॉयज हैं, संभाल के रखे हुए हैं मैंने सारे। पहले ये ना फ्रिज के ऊपर रखे हुए थे, अभी सारा सेट कर दिया। नानी है, फोन पे देख लो, मेरे को तो लेकर नहीं जा रहे, ऐसी है इनका, कहीं नहीं लेके जाते मेरे को। एक आधे दिन के ना एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं कपड़े, बाद में यार वो नहीं होगा फिर। उनके घर पे तो रहना है, निक्कर टी शर्ट में भी रह सकती हूँ क्योंकि मेरे को, मैं जीन्स और टॉप पे तो कतई नहीं रह सकती उनके घर में। मेरे को शॉर्ट्स और अपना खुल्ला डुल्ला टी शर्ट तो चाहिए ही चाहिए।
आराम से कंफर्टेबल होके वहाँ पे लेटूंगी मैं। ये वाली के तो फिर भी थोड़ा सही था, लेकिन ये वाली के तो बिल्कुल ही बुरी हालत हुई हुई है। तो ये हम बाद में दिखाएंगे आपको किस दिन सेट हो गया और सब कुछ। हाँ, 3 से 4 महीने हो चुके हैं मैं यहाँ पे सोई नहीं हूँ। ये वाला कमरा हमेशा मेरा बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ। तो सोफे के पास ना मेरा वहाँ पे चार्जिंग का दिया हुआ है, तो वहीं पे मैं आराम से चार्जिंग पे लगा लगा के वहीं पे सो जाती हूँ और वहीं पे कुछ कर लेती हूँ। बहुत टाइम बाद मम्मी ने आज ना मैंगो कस्टर्ड बनाया है, देखो। देखो मैं काओ को ना गुड़ वगैरह डाली आई, ये ना हर रोज़ आ जाती है हमारे इधर, तो हम ना इसको कुछ ना कुछ डाल देते हैं। खा तो लिया, साइड में कर देते हैं। तो अभी फिलहाल हम जाएंगे आबूदी के घर और पार्ट का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करवाएंगे और फिर उसके बाद मैं शायद शॉप पे जाऊंगी अपनी और कुछ खा पी लेंगे कुछ भी। उसके बाद फिर मैं शेखु भाई के घर जाऊंगी उनके घर रहने। मैं ना पार्थ के घर आई हुई थी और उसका हॉलीडे होमवर्क निपटा रही हूँ। देखो एक ये तो बना दिया जीके का टाइप्स ऑफ हाउसेस, अब रह रहा है इंग्लिश का और कंप्यूटर का, वो करते हैं जल्दी से। हाँ जाओ। टंग देखो पूरी रेड हो गई। गोला मैं इतने टाइम बाद खा रही हूँ ना, मजा सा आ गया यार। करो तो यार अपने रात को तो मम्मी एकदम ना टाइट करके सुला देती है मेरे को। गूंथने वाली गूंथ करके सरदारनियों की लड़की लगती है मेरी बेटी। मम्मी पापा ना नानी के घर गए हुए हैं इसलिए मैं इनके घर आई हुई हूँ, देखो रात को रहने के लिए। हाँ जी कल रात को चलेंगे और सुबह आएंगे। मैं तो शुभी के साथ सोऊंगी। शुभी ठीक है? ठीक है मेरे साथ? नहीं मेरे साथ भी ठीक है। हेलो बोलो। हेलो। टाइम कितना हो रहा है? टाइम आप उधर देखो ना। देखो आप देखो पहले। मैं कौन से देखूं? देखो घड़ी में देखो। हाँ देख लो। देखो कितना टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है आपको? देखा नहीं आता? नहीं तो सीखो। 9:09 9:11 9:18 9:18 शुभी 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 देखना जी। देखो स्माइल करेगी, इसको कितना मर्जी कुछ कह लो है ना। और मुझे तो हुआ। बोलो मेरी घर का है। देख लो यार मैं कितनों की इथु बुआ हूँ। इथु बुआ शुभी इथु बुआ इथु बुआ इथु बुआ इतु बुआ। तो बुआ ये आपने कौन सी कलर की लिपस्टिक लगाई है? दैट्स कॉल्ड लिप बाम। इससे क्या करना? इससे होंठ लाल होते हैं। बताओ। हाँ जी क्यों होते हैं? बस अभी ना 5 मिनट रुक जाओ, इतना बोलती है भाई, बहुत बोलती है। आजो 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 आजो। डॉगी को दूध डालने जा रहे हैं। अरे रुक तो जाओ। अरे डरती नहीं की बात नहीं है, दो दो डॉगी। एक सेकंड। अरे खोलने तो दो, ये लो पी लो। मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है और शेखुबे देखो गाय को चारा डालने जा रहे हैं।